देखिए, हम माइक्रो लेवल तक जाके एक एक विधानसभा के एक एक बूथ तक हमारी तैयारी लगभग पूर्ण है। हम कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है, साथ में जनता चुनाव लड़ रही है। जो जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, उसे लग रहा है कि मेरे वोटों को बेच दिया गया, वो तो चुनाव की तारीख का इंतजार कर रही है कैसे इन गद्दारों से, इन बिके हुए लोगों से हम बदला लें। जो घटना ग्वालियर के विधायक के साथ हुई है, पूर्व विधायक हैं अब बिके हुए, हर विधानसभा में इस तरह का माहौल है, जनता इतनी खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, एक बच्चा भी होगा तो समझेगा हमारी नज़र क्यों होगी। मेरा एक डायलॉग है, शिवराज चौहान सेनापति हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी सेनापति हैं, मेरा डायलॉग है कि एक सेनापति अपनी फौज को मार के किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना करता है, उससे बड़ा मूर्ख नहीं। ये किराए की फौज खरीद के उनने ले ली, अपने जो लोग थे बेचारे 22, वो आज करांज रहे हैं। हमें लेने की ज़रूरत क्या, वो तो खुद उनसे बदला लेंगे, तो हमें तो डबल लाभ नहीं। देखिए, ये षड्यंत्र फ्लो में शिवराज बोल गए, उनके मन के अंदर जो हाईकमान बीजेपी का है, जो निर्देश दिया था कि सरकार गिराना है, उनके मन की बात बाहर आ गई। और कितने बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं ये, तो मैंने इसीलिए आज कहा कि क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। यदि तुम्हें अपने बाहुबल पे विश्वास नहीं है, अपनी क्रियाकलापों पे विश्वास नहीं है, तो अडानी और अंबानी तुम्हारे अंडर में, उनको सौंप दो, एक एक राज्य की सरकार गिरा देंगे।